गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। समझ में आ रहा, झगड़े हो रहे, लड़ाई हो रही है, कलह मची है, घर नरक बना है। अब आप क्या करोगे? बोली क्या करोगे, आप क्या करोगे? पत्नी से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, भाग गए। कहां भागेगा बच्चों? दुकान जाएगा, कैनाल के पास जाएगा, किसी गार्डन में जाके घूम आएगा, पूरा दिन बाहर गुजार देगा गुस्से में। लेकिन एक बात बताओ, शाम को लौट के कहां आएगा? बोलिए फिर उसी नरक में वापस लौटेगा, फिर और तनाव, फिर और टेंशन। दिन भर कहां था? दुकान नहीं गया, फिर महाभारत शुरू। कहां जाओगे बता? आपकी घर में नहीं बनी, घर में अटपटा रहा, घर में आपका लगाव नहीं रहा, लड़ाई झगड़े चलते रहे, शाम को लौट के वहीं जाना पड़ेगा। एक कबूतर होता है ना, उसका मालिक पकड़ के उड़ाता है, आकाश में उड़ता है, फिर शाम को उसी दड़वे में लौट करके वापिस। आपकी जिंदगी तो ये है, आप पीड़ाओं से, कष्ट से, कलह से बच के भागेंगे कहां? हमारा हम तो मजेदार आदमी है, चलो अपनी किसी गांव में नहीं बनी, नहीं बनी तो अब होते हैं कई मिल जाते हैं, नहीं बनी, लड़ाई हो गई, विवाद हो गया, महाराज पसंद नहीं आए, अपने को गांव पसंद नहीं आया, विचार कर अपन उठाए पिछी और अगला गांव, नहीं आएंगे तुम्हारे गांव में दोबारा, शकल नहीं दिखाए, नहीं बारामती वालों को नहीं, यहां तो अच्छा लग रहा है मुझे, नहीं तुम अपने ऊपर ले लो, नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। हमको तो समाज से मुक्ति मिल जाएगी ना, तुमको घर से मुक्ति कैसे मिलेगी? बोलो, तुम्हारे कष्ट ज्यादा या हमारे कष्ट ज्यादा? हमारा तो क्या, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही, कोई बात नहीं, स्वतंत्र घूमते, हमारे तो आनंद है जीवन में, जहां जाओ विचार करो। आ रहे हैं लोग, रात को आते हैं, भैया व्रति कर रहे, हाथ दबा रहे, पैर दबा रहे, कभी तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे हाथ पैर नहीं दबाए होंगे, विचार करो, पैदा तुमने किया, सेवा हमारी, कहां है संयम में कष्ट? विचार करिए, जितने प्यार से चौके में मेरे को आहार करा रही है, बिचारी प्रवचन तक नहीं सुनती, कार्यक्रम नहीं देखती, चौका बनाने में लगी हुई है, जितने प्यार से बीबी तुम्हारी, माल कौन खा रहा है? महाराज खा रहे थे, इतने प्यार से तो तुम्हें नहीं कहा होगा उसने कि प्लीज एक बार और ले लो, तुमने कहा खाना खा लो, तुमने कहा अभी नहीं, बोले भाड़ में जा खा, चाय मत खा, मैं अपना खा के चली। ध्यान, क्या दशा है, विचार करिए। डॉक्टर साहब तुम आओ नहीं आओ मंदिर में तो चली, ध्यान रखना, विचार करिए, सोचिए जिंदगी में आपको सोचना है क्या कष्ट है, संयम में क्या कष्ट है। मुड़ मुड़ाए तीन गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। ध्यान रखिए कितने मजे हैं, विचार करिए, सोचना है आपको। आप घर में बीमार हो जाओ, कितने लोगों को टेंशन होगा? दो चार लोगों को, और ज्यादा बीमार रहे तो वो भी कहेंगे भगवान इसको उठा ले। ध्यान रखिए, और महाराज को यदि सर्दी भी हो जाए तो बारामती में 8-10 डॉक्टर हैं, है? कोई काढ़ा ले आता है, कोई दवाई ले आता है, कोई ये ले आता है, कोई कितनी कितने मजे हैं भाई। हमारे जीवन में कोई परिचय नहीं, जितने परिचय आदमी को घर में प्राप्त हुआ करते हैं। विचार करना है आपको, आपके धैर्य ज्यादा है, काश ये धैर्य जो तुम घर गृहस्थी में रखते हो, इतने कष्ट सहते हो, काश ये धैर्य साधना में सहन कर लेते तो टाइल की जिंदगी नहीं मूर्ति की जिंदगी बन गई होती। विचार करिए, कष्ट तो सब जगह है, ध्यान रख, ये मत सोचना कि महाराज के जीवन में कष्ट नहीं, कष्ट तो सभी जगह है, घर गृहस्थी में भी बहुत कष्ट है, परिवार में भी बहुत कष्ट है, संन्यास में भी बहुत कष्ट है। अब सोचना है, एक कष्ट वो होता है जो टाइल की जिंदगी बनाता है, और एक कष्ट वो होता है जो भगवान जैसा पूज्य बना।
आप भी परिश्रम कर रहे, आप भी मेहनत कर रहे, मैं भी कर रहा हूं, मैं घंटा भर प्रवचन में बोलता हूं, तुम दिन भर बक बक करते रहते हो, बोलना तो तुमको भी है, बोलना तो हमको भी है, लेकिन जब हम बोलते हैं लोग श्रद्धा से सुनते हैं, और जब तुम बोलते हो पत्नी यहां से सुनती है, नहीं यहां से निकालती नहीं, आजकल की पत्नियां चेंज हो गई, ये बारामती वाली इधर से भी सुनती, इधर से भी सुनती और मुंह से निकाल देती है। ध्यान रखिए, विचार करिए, बोलना तो तुम्हें भी पड़ेगा, मुझे भी पड़ेगा, जीना तुम्हें भी है, जीना मुझे भी है, लेकिन दोनों के जीने में बड़ा अंतर हुआ करता है। एक बात बताओ, चौके में माल तुम्हारा, किसका माल होता है? भोजन आहार तो तुम ही बनाते हो, माल तुम्हारा, चौका तुम्हारा, पैसे तुम्हारे, सारी मेहनत तुम्हारी, ध्यान रखना, स्वामी कौन? स्वामी किसको बोलते हैं? घर में तो भाई किशोर सेठ बैठे, इनकी जितनी दौलत है तो स्वामी ये हैं, लेकिन जिस दिन हम आहार में गए तो स्वामी कौन हो जाएगा? स्वामी महाराज, अरे कितना मजा है संयम में भाई, तुम्हारा माल खा रहे और तुमको ही आंख दिखा रहे हैं, वो गड़बड़ हुआ तो जिसका चौका उसे ही बाहर कर दिया। वारी बादशाहत हम फकीरों की, ध्यान रखना, अरे फकीरों की बादशाहत बड़ी अद्भुत बादशाहत होती है। तुम्हारा माल पड़गाते समय क्या बोलते हो? हकीकत में बताओ, जिसका माल है स्वामी वो होता है, जो ले रहा है वो तो याचक हुआ करता है, लेकिन चौके में तो स्थिति बदल जाती है, स्वामी हम होते हैं याचक, तो हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, स्वामी 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 के चक्कर में तुम्हारी हो गई नीलामी। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, संयम, बड़े आनंद है, किस बात का दुख है? अपने को काय का कष्ट है? ना बीवी, ना बच्चे, ना घर, ना परिवार, क्या लेना देना है? अपने परिवार में जियोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अरे जिनेंद्र के परिवार में आ जाओ, जीते जी मोक्ष का अनुभव हो जाएगा, जीते जी आनंद का अनुभव हो जाएगा। ध्यान रखना, कितना सौभाग्य है ये, मेरी जिंदगी का सौभाग्य है सबसे बड़ा। आप सोचते रहो कि आप किस्मत वाले होंगे, लेकिन किस्मत वाला तो मैं हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा, कि मुझे भारत में जन्म मिला ये मेरा सौभाग्य है, जिन कुल में पैदा हुआ ये मेरा सौभाग्य है, और जैन संत बना ये मेरा परम सौभाग्य हुआ करता है। यदि ईश्वर मुझसे कहे कि मांग, क्या मांगते हो, तो मैं तो इतना ही मांगूंगा कि हे भगवान, गर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। और क्या चाहिए जीवन के लिए? मान संयम। मूर्ति ने कहा कि तू धैर्य रख लेता, तू थोड़ा संयम रख लेता तो टाइल बन करके पैदा नहीं होता, तू चोट सहन नहीं कर पाया, तू मार सहन नहीं कर पाया, तू एक हथौड़ी में टूट गया, मैं हजार खाकर भी मजबूत बना रहा। ध्यान रख, इसका नाम ही तो संयम है। और एक बात और याद रख, टाइल चेतन भाई अपने टाइल की दुकान, एक बात और याद रख, ये 4x4 का टाइल है, उस टाइल पर यदि चोट लग गई तो कोना टूट जाएगा, फिर क्या किया जाएगा? उसका फेंका नहीं जाएगा, इतनी जल्दी मत फेंको चेतन, अपने को बहुत पैसा चाहिए अभी। 4x4 को काट कर 2x2 बना दिया जाएगा, वो मंदिर के किसी कोने में लगा दिया जाएगा, जितना छोटा होगा उतना काट काट कर उतना कटेगा तू, और जितना कटेगा उतनी निकृष्ट जगह में जाकर। एक बात याद रख, मूर्ति ने कहा तू तो हर चोट में टाइल का टाइल ही बनेगा, यदि मूर्ति की एक उंगली भी टूट जाए तो मूर्ति खंडित हो जाया करती है, उसकी कोई पूजा नहीं किया करता है, मैं अखंडित हूं। इसलिए तूने जब चोट पड़ी तो अपने को हिलाया, मैं एक एक उंगली को संभाल कर चोट सहन करती रही, कि एक उंगली भी टूट गई तो फिर मेरा भगवान बनना बेकार हो जाएगा, मैं अखंडित हूं, अखंडित ही रहूंगी। ध्यान रखना, मन ये संयम धर्म। मान्य
एक बार क्या हुआ, कुछ लोग भगवान के पास चले गए और भगवान से बोले कि भगवान, ऐसा होता नहीं है, गप है, झूठ बोल रहा हूं, लेकिन कहानी का तथ्य गलत है लेकिन तथ्य सही है। भगवान के पास गए, भगवान तूने कितना सुंदर संसार बसाया है, फूल उगाए, झरने बनाए, पर्वत बनाए, समतल बनाए, रोड बनाए, इतना खूबसूरत संसार, पशु बनाए, पक्षी बनाए, उसमें भी सुंदर बनाए, बदसूरत बनाए, अमावस की काली रात बनाई, पूर्णिमा का उजाला बनाया, वाह रे भगवान क्या तेरी कारीगरी है, तूने बहुत सुंदर संसार बसाया है। यहां अच्छे लोग भी हुआ करते हैं और यहां बुरे लोग भी हुआ करते हैं, पर भगवान तूने एक चीज गलत बनाई। अरे भगवान ने कहा इसमें भी गलती ढूंढ ली तूने मेरी, आदमी है ध्यान रखना, गलतियां ढूंढने को हजार खड़े हैं, गलतियां सुधारने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया करता है। इस कहानी को यहीं छोड़ के एक कहानी बताता हूं। एक आदमी था, बड़ा उदास हो गया, बहुत अच्छा पेंटर था, उसने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया। देखो दुनिया की हालत क्या है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, उसे लगा यार इतनी सुंदर पेंटिंग मेरे हाथ से बन गई, बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा एक काम करो, बारामती के चौराहे पर, तीन हत्ती चौराहे पर इसको लगा देते हैं, लोग देखेंगे, बड़ी प्रशंसा करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। उसने पोस्टर बनवाया और उसके नीचे लिख दिया, मैंने यह पेंटिंग बड़े मन से बनाई है, लेकिन मैं बारामती के लोगों से कहता हूं इसमें कुछ कमी हो तो इस पर एक निशान लगा देना, मैं अगली पेंटिंग में सुधार लूंगा उसे। बड़ा अच्छा आदमी था, बारामती के लोग तो और भी ज्यादा अच्छे थे। अब चौराहे से जितने निकले कि कमी हो तो निशान लगाओ, कमी हो तो निशान, इतने निशान लगा दिए कि उसकी पेंटिंग का सत्यानाश हो गया। किसी ने आंख में लगा दिया, किसी ने कान में लगा दिया, किसी ने हाथ में लगा दिया। शाम को गया देखने तो बड़ा दुखी हुआ, यार इस पेंटिंग में इतनी मेहनत से मैंने बनाई, बारामती वालों ने निशान पे निशान, अब पेंटिंग तो दिखी नहीं रही है, निशान ही निशान दिखाई दे रहा, बड़ा दुखी हुआ, मेरी पेंटिंग में इतनी कमी है। मेरे पास आया, बोले महाराज ये सत्यानाश हो गई मेरी पेंटिंग, जिसने देखो उसने निशान लगा दिया। मैंने कहा एक काम और कर, बोले क्या, मैंने कहा एक पेंटिंग और बना। उसने एक पेंटिंग और बनाई, मैंने कहा अब जाके फिर तीन हत्ती चौराहे पे लगा दे और वहां जाके मत बोलना कि कमी हो तो निशान लगा, उसके नीचे लिखना कि इसमें जो कमी हो तो सुधार के जाना, ध्यान रखिए इतना लिख देना बस कि जो भी कमी हो इसे सुधार देना। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, आठ दिन पोस्टर लगा रहा, जिसने देखा आगे बढ़ा, जिसने देखा आगे बढ़ा, मेरे पास आया, बोले महाराज किसी ने कुछ सुधार नहीं किया। मैंने कहा बेटा ये दुनिया है, यहां कमियां निकालने वाले हजारों मिलेंगे और कमियों को मिटाने वाले कोई नहीं मिला करते। स्टेज बना, कमियां भी मैं कहूं इसमें क्या कमी है, 1000 कमी निकाल दोगे, और यदि मैं कहूंगा सुधारो तो कौन आदि आएगा, चेतन स्वप्निल बेबो सुधारे वो बिगाड़ो तुम, ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, ये दुनिया है मेरे भाई, यहां कमियां निकालने वाले बहुत हुआ करते हैं लेकिन किसी की कमी को सुधारने वाला दुनिया में कोई नहीं मिला करता है। कोई सदगुरु होते हैं जो कमियां सुधारते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उस सीट पर आकर बैठा हूं, आप पेंसिल हैं, आप लिखते हैं, श्रावक तो लिखेगा, श्रावक का काम लिखना है, आप पेंसिल से कागज पर लिखते हैं, लिखने वाला गलतियां भी करता है, गलत चीज भी लिख देता है, मिस्टेक भी कर देता है, लेकिन मैं पुलक सागर वो हूं जो पेंसिल से गलत लिख दिया है तो कॉपी नहीं फेंका करता हूं, अरे मैं तो रबर की तरह हूं जो तुम्हारे गलत को मिटाने का प्रयास किया करता हूं, उस पर रबर फेर देता हूं, ध्यान रखना, और
रबड़ कौन होती है मालूम है? रबड़ दूसरों की गलतियां मिटाते मिटाते खुद भी मिट जाया करती है, ध्यान रखना, लेकिन दूसरों की गलतियां सुधारा करती है। मान्यवर, सुधारने वाले कम मिलते हैं, गलत बोलने वाले ज्यादा मिला करते हैं दुनिया में। भगवान से कहा कि भगवान, वही कहानी छोड़ के आया कि तूने एक काम गलत किया है। बोले क्या गलत कर दिया? इतना सुंदर संसार बसाया, अब उसमें भी कमी दिख रही है। बोले बस एक गड़बड़ कर दी भगवान आपने, एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। बोले क्या गड़बड़ कर दी? तूने बीमारी क्यों बनाई? देखो आदमी कितना होशियार, शरीर सुंदर दिया, सब कुछ दिया, उसके अंदर तूने बीमारी क्यों बना दी? भगवान ने कहा वो इंसान गलती हो गई, अब मैं बीमारी खत्म करता हूं। उन्होंने कहा बीमारी को आवाज लगाई, ओ बीमारी इधर आ। बीमारी आई, बोले तू खत्म हो जा, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरे कारण मेरी बनाई हुई कृतियों में बदसूरती दिख रही है, तू खत्म हो जा। उसने कहा बीमारी ने हाथ जोड़कर, भगवान मैं थोड़ी मोहलत मुझे भी दे दो, मैं भी कुछ बोल लूं, एकदम से तुम तो मुझे खत्म किए जा रहे हो, मैं कैसे खत्म हो जाऊं? बोले बोल, तू क्यों जाती आदमियों के पास? बीमारी ने कहा भगवान आपने मुझे बनाया है, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरा भी कोई सम्मान है, मेरा भी कोई स्वाभिमान है, तो बोले आदमियों को परेशान क्यों करती है? बोले मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाती हूं। बीमारी ने कहा बिना बुलाए मैं कहीं भी जाती नहीं हूं, लोग मुझे बुलाते हैं। आदमियों ने कहा हम कहां बुलाते, हम तो तेरे से परेशान हो जाते हैं, इंजेक्शन लगवा लगवा के तुझे भगाते हैं, दवाई खिला खिला के भगाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। अरे बोले वो सब जाते होंगे, लेकिन बुलाते तो तुम ही, मैं बिना बुलाए कभी आती नहीं हूं। तो बोले हमने कब बुलाया? बोले मैं दो लोगों के पास जाती हूँ, एक तो उनके पास जाती हूँ जिनका निमंत्रण पिछले जन्म का हुआ करता है, पिछले जन्म से मुझे इनवाइट करके आते हैं, इसलिए पैदा होते ही मैं उनका काम तमाम कर देती हूँ। पिछले जन्म से आते हैं कुछ लोगों की बीमारियां, पिछले जन्म के मेरे इतनी व्यस्त हूँ, इतने इन्विटेशन कार्ड पड़े हैं मेरे यहाँ की मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, और जिसका मैं इस जन्म में कुछ नहीं कर पाती उसके साथ अगले जन्म में मैं साथ आती। बुलाते हो और दूसरे उनके पास जाती हूं। बोले किनके पास? बोले जो 15 साल से शराब पी रहे हैं, ये शराब नहीं पी रहे, मुझे बुला रहे हैं अपने पास। इनके पास संयम नहीं, इनके पास असंयम है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु।